ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं एक्सीडेंटल स्टडीज के बारे में। तो एक्सीडेंटल स्टडीज मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं पहले ये देखते हैं, और हमारा एक्सीडेंटल स्टडीज पढ़ने का क्या मोटिव है ये दूसरी बात है। ठीक है, तो पहला समझो जरा एक्सीडेंटल स्टडीज पढ़ने का क्या मोटिव है। तो एक्सीडेंटल स्टडीज पढ़ने का ये मोटिव है मेरा कि जितने भी एक्सीडेंट या जितने भी कोलिजन्स हो रहे हैं उन कोलिजन्स को मैं पूरा परफेक्टली अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं किसी भी पॉइंट पर बात कर रहा हूँगा तो कुछ ना कुछ अलग अलग ज्योमेट्रिकल फेलियर्स के कारण हो रहे होंगे एक्सीडेंट, या किसी वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण हो रहे होंगे, या रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण हो रहे होंगे। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज जिनके कारण ये एक्सीडेंट्स परफॉर्म हो रहे होंगे, है ना, एक्सीडेंट हो रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव ये है, अगर हम स्टडी एक्सीडेंट का स्टडीज कर रहे हैं, एक्सीडेंट का स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा मेन मोटिव ये है कि हम कैसे इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे मिनिमम कर सकते हैं, वही हमारा मेन मोटिव है इन एक्सीडेंट्स के बारे में। ठीक है, तो एक्सीडेंट स्टडीज में अभी हम लोग देख रहे हैं, तो पहला देखते हैं हम लोग क्या एक्सीडेंट स्टडीज में जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग अलग अलग ग्राफ्स प्रिपेयर करेंगे। तो ये ग्राफ्स प्रिपेयर करने का मतलब क्या है, या अलग अलग डायग्राम्स प्रिपेयर करेंगे उसका क्या मोटिव है हमारा। तो मैंने बोला सबसे पहले मैं स्पॉट मैप प्रिपेयर करूंगा। तो स्पॉट मैप मतलब क्या होता है कि हम लोग जहां जहां भी एक्सीडेंट हुआ है, जहां जहां भी एक्सीडेंट हुआ है उसको मैप्स के ऊपर किसके थ्रू मेजर करेंगे, पिंस के थ्रू मेजर करेंगे। अलग अलग पिंस अप्लाई करेंगे, एक्सीडेंट वाले जोन्स को पता कर लेंगे और वहां पे क्या क्या हम लोगों को अलग अलग डिफरेंट मेजर्स लेना है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सिमिलरली स्पॉट मैप के बाद दूसरी बात करता हूँ मैं, जैसे लोकेशन फाइल की बात करूंगा। तो लोकेशन फाइल्स की क्या मतलब है कि हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि किस किस जगह पे एक्सीडेंट हो रहे होंगे, और वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग हम लोग जैसे पुलिस को हम लोग इन्फॉर्म करेंगे कि आपको इस जगह अपना पुलिस स्टेशन बनाना है या इस जगह आपको चौकी बनाना है ताकि इस पॉइंट पे एक्सीडेंट कम हो, यहाँ पे आपका असिस्टेंस ज़्यादा रहे। ठीक है, थर्ड बात करेंगे कंडीशन डायग्राम के बारे में। अब कंडीशन डायग्राम एक इंपॉर्टेंट टर्म है, जनरली पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो कंडीशन डायग्राम से मेरा क्या बोलने का मतलब है, कंडीशन डायग्राम आपका स्टडी करता है हर वो इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर के बारे में जो आपको देखना पड़ेगा, जो आपको देखने को मिलेगा कहां पे, जब आप बात करोगे जहां पर भी जिस भी लोकेशन पे वो एक्सीडेंट हो रहा होगा, हर उस लोकेशन के पास का क्या कैम्बर होगा, जैसे क्या कैम्बर होगा उस जगह का, क्या हमारा ब्रिजेस है अगर तो ब्रिज पे क्या है, ठीक है, क्या हमारा उधर कैम्बर के बाद मैं बोल रहा हूँ क्या ट्रीज है, क्या लोकेशन है उस जगह का, ये सारा चीज है, एक एक स्पेसिफिकेशन जो है आपको किस में देखने को मिलेगा, कंडीशन डायग्राम में देखने को मिलेगा, है ना, विड्थ ऑफ पेवमेंट, ये वो सब कुछ एक एक पॉइंट को माइन्यूटली स्टडी करके आपको जो देखने को मिलेगा वो किस में देखने को मिलेगा, कंडीशन डायग्राम में देखने को मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली इसके कंपेरिजन में जब हम लोग कोलिजन डायग्राम की बात करेंगे तो कोलिजन डायग्राम में केवल और केवल एक रफ आइडिया आप लोगों को दिया जाएगा कि हमारा व्हीकल किस साइड से आ रहा था और कैसे कैसे कोलिजन हुआ है। ठीक है, एक बेसिक रफ आइडिया आप लोगों को दिया जाता है कोलिजन डायग्राम में कि किस साइड से व्हीकल आ रहा होगा, क्या कोलिजन की क्या कंडीशन रही होगी। ठीक है, एक रफ आइडिया। तो जनरली हम लोग जब कोलिजन डायग्राम्स की बात करते हैं तो हम लोगों को समझ में आता है कि कोलिजन डायग्राम्स में आप लोगों को, लेकिन जब कंपेयर करना रहता है दो लेंस को कंपेयर करना रहता है, दो एक्सीडेंट्स को कंपेयर करना रहता है, अलग अलग प्लेसेस को कंपेयर करना रहता है, तो जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं कोलिजन डायग्राम, क्योंकि ये जल्दी हम इस पॉइंट से कंपेयर कर सकते हैं सारे जहां पे भी जिस पॉइंट के बारे में भी बात कर रहे होंगे। ठीक है, ये तो हो गई बातें कि हम लोग कैसे कैसे हम लोग अपने एक्सीडेंट को स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बता रहे हैं कि एग्जैक्टली अगर कोलिजन हो रहा होगा तो किस टाइप के कोलिजन होते हैं, अलग अलग मेथड्स के बारे में बात करेंगे कि किस टाइप के कोलिजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे और ये कोलिजन को कैसे हम लोग स्टडी करेंगे कि कोलिजन के बाद क्या डिस्टेंस कवर किया होगा हमारे व्हीकल ने, क्या वेलोसिटी रही होगी उसका एक्सीडेंट के बाद, इन सारे चीजों में हम लोग बात करेंगे। तो देखो जरा यहां पे या क्या अजम्पशंस है जब हम एक्सीडेंट के स्टडी की बात कर रहे हैं तो क्या क्या वैल्यूज होगी। तो देखो जरा मैं अलग अलग बता रहा हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, फर्स्ट बता रहा हूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन तो आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन। फर्स्ट मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट कोलिजन टाइप जो हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज when a moving vehicle collides with a
पार्क्ड व्हीकल, व्हेन अ मूविंग व्हीकल कोलाइड्स विद अ पार्क्ड व्हीकल, अगर कोई मेरा व्हीकल पार्क है तो उसमें जाकर ठुक गया है मेरा दूसरा व्हीकल, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सेकेंड बात करेंगे, when two vehicles moving from different lanes से आ रहे हैं and collides at intersection पे जाके ठुक गए, ये है सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन की जो मैं बात करूंगा एक्सीडेंट में, मैंने बोला when head on collision takes place, when head on collision takes place between the vehicle moving in opposite direction, है ना, दोनों एक दूसरे के सामने से आ रहे थे और हेड ऑन कोलिजन हुए उन लोग का, ठीक है। फोर्थ बोलता हूं मैं, फोर्थ और जो लास्ट हमारा कोलिजन का केस हो सकता है, ऐसे बहुत सारे प्रोबेबिलिटी बन सकती है, पर हम लोगों का जो इंपॉर्टेंट कंसर्न है ये दो जो एक्सीडेंट है ये बहुत ज्यादा देखने को देखे जाते हैं, तो हम इन दोनों के ऊपर स्टडी करने वाले डीप में, ठीक है। तो अब मैंने बोला नेक्स्ट जो है हमारा कंडीशन, when a moving vehicle collides with an object, जब जाके किसी ऑब्जेक्ट से जाके ठुक जाएगा या खंबे में जाके ठुक जाएगा, तो ये सब की बात करूंगा मैं एक्सीडेंट के स्टडीज में, ठीक है। अब समझो जरा, मैं आपको एक कुछ केसेस बताता हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो जब मैं बात कर रहा हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बात कर रहा हूँ, तो मैंने बोला कि समझो जरा ऐसा हो रहा होगा कुछ, ये कोई भी मेरा एक पार्टिकल होगा, ये जो कोई भी मेरा पार्टिकल होगा जिसका मास होगा एम ए, और एक किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, मैंने बोला बिफोर कोलिजन ये वी ए वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। कोई भी मेरा एक व्हीकल है या कोई भी एक पार्टिकल है जो मास ए, जिसका मास एम ए है और जो किसी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। मैंने बोला ये भी कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये किसी वी बी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, वी बी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, मास बोल देता हूँ एम बी मास है, ठीक है, एमबी मास से वीबी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहां तक की बात करी उन्होंने बोला ये बिफोर कोलिजन की बात है, उन्होंने बोला ये बिफोर कोलिजन की बात है। और जब हम लोग बात कर रहे हैं बिफोर कोलिजन की बात है, जब हम बात कर रहे हैं आफ्टर कोलिजन की, जब हम लोग बात कर रहे हैं एक्सीडेंटल स्टडीज में, जब हम लोग आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे होंगे, आफ्टर कोलिजन की जब हम बात कर रहे होंगे, तो मैंने बोला कि यही आपका कोई भी मास एम ए जो है वो अब किस वेलोसिटी से जा रहा होगा, वी ए डैश वेलोसिटी से जा रहा होगा, और यही आपका मास एम बी जो है, यही आपका मास जो एम बी है वो अब किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ वो किसी वेलोसिटी वी बी डैश से मूव कर रहा होगा, ठीक है, ये आपको देखने को मिला। तो आप देखो जरा क्या बोलता है हमारा न्यूटन लॉ, बोलता है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कोफिशियंट ऑफ, पहले देखते हैं हम लोग एक टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जाती है, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बात की जाती है, ई इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं हम लोग कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का क्या मोटिव है, देखो जरा क्या बोलते हैं, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, किस वेलोसिटी से ये सेपरेट हो रहे होंगे, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की क्या वेलोसिटी होगी उससे डिवाइड कर देना है सेपरेशन वेलोसिटी को, तो यू विल गेट ई, ठीक है। अभी देखो ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू कैसे कैसे चेंज होता है हमारे अलग अलग कोलिजन की कंडीशन के ऊपर, ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। अगर मेरे से बोला जाता है केस वन बोल देता हूँ इसके लिए, अगर मेरे से बोला जाता है केस वन बता रहा हूँ मैं आपको, अगर मेरे से ये बोला जाता है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं,
परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखो एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा। फॉर परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन मैं बोलता हूँ मेरा जो ई का वैल्यू है, मेरा जो ई का वैल्यू है वो जनरली क्या कंसिडर करते हैं हम लोग, वन कंसिडर करते हैं। फॉर परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन के लिए मैंने बोला ई का वैल्यू अगर हम लोग वन कंसिडर कर रहे हैं तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करूंगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा। फॉर परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ फॉर परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन इज इक्वल टू वन, तो आपको पता चलेगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच किसके बराबर हो गया आपका, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसको देखूंगा कि अप्रोच का वेलोसिटी कैसा दिख रहा होगा तो मैं यहां बोल देता हूं कि इस कंडीशन में VA जब ग्रेटर होगा VB से तभी कोलिजन का चांसेस होगा, और इस कंडीशन में VB आगे तभी जाएगा जब VB डैश बड़ा होगा, किससे, VA डैश से बड़ा होगा। तो वेलोसिटी अप्रोच की वेलोसिटी पे बात करूंगा तो मैं बोल दूंगा कि VA माइनस VB कर दूंगा तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पता चल जाएगा। तो मैंने बोला VA माइनस VB विल गिव यू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और वो किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर हो जाएगा। तो मेरे को पलना पड़ेगा VB डैश माइनस VA डैश के बराबर होगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की हेल्प से, जब हम लोगों ने देखा कि अगर E का वैल्यू 1 है इसका मतलब है आपका जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके बराबर हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर हो गया। तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन की बात हो रही होगी, ठीक है, परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन की बात हो रही होगी, ठीक है। अभी अगर मैं बात करता हूँ सेकेंड केस की बात करता हूँ आप लोगों को, अगर न्यूटन्स लॉ के हिसाब से ही बात करूं, अगर मैं केस टू आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देखो केस टू क्या बोल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं परफेक्टली एक और केस दिखा रहा हूं मैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है आपका E इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। E इज इक्वल टू जीरो के बराबर होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, तो देखो जरा E इज इक्वल टू जीरो के लिए आपको दिख रहा है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो के बराबर हो गई इसका मतलब ये है कि आपका व्हीकल इन्फिनिटी की तरफ चले जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लाया करता है हमेशा जीरो से वन के बीच में, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मैंने बोला E कहां से कहां तक लाया करेगा, आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमेशा लाया करेगा जीरो से लेके वन के बीच में, हमेशा जीरो से लेके वन के बीच में, ठीक है। ये है अपना वैल्यू जो लाया करेगा। तो मैं बोल रहा हूं फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब मेरे को यह समझ में आता है, इसका मतलब मेरे को यह समझ में आता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसके बराबर हो गया होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो जीरो के बराबर हो गया होगा। और अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो के बराबर हो गया होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो VB डैश माइनस VA डैश था वो किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। इसका मतलब ये है शायद कि VB डैश किसके बराबर हो गया, VA डैश के बराबर हो गया, VB डैश मतलब VA डैश के बराबर हो गया है। और अगर इस पॉइंट को आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको ये समझ में आएगा कि VB डैश अगर VA डैश के बराबर हो गया है इसका मतलब है कोलिजन के बाद दोनों व्हीकल या दोनों पार्टिकल साथ में मूव कर रहे होंगे, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, VB डैश अगर VA डैश के बराबर हो गया है इसका मतलब है बोथ द व्हीकल्स या बोथ द पार्टिकल्स आर मूविंग टुगेदर आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद दोनों व्हीकल साथ में मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये है हमारी कंडीशन जो कोलिजन के केस में हम लोग देखने वाले हैं, कि दो कंडीशन जो हम लोग परफेक्टली प्लास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक के केस में देखा हम लोगों ने कि क्या क्या वैल्यूज होती है। तो अब मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से कि कोलिजन के टाइम पे कैसा कंडीशन बन रहा होगा, वो इन दोनों में से ही हम लोग किसी को उठाने वाले हैं। तो मैंने बोला कि मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं बोलूंगा हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स को देखेंगे कि जब मैं E इज इक्वल टू जीरो वैल्यू पुट कर दूंगा तो एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा, है ना। मैं बोलूंगा कि जब हम लोग बात करें किसके लिए बात करूंगा, मैं जब बोल रहा हूं मेरा मूविंग व्हीकल कोलाइड करेगा किसी भी पार्क्ड व्हीकल पे तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, हम लोग वहां पे बात करेंगे कि कैसे कैसे कोलिजन को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग उठाने वाले हैं अपना फर्स्ट केस उठाने वाले हैं व्हेन अ मूविंग व्हीकल कोलाइड्स विद अ पार्क्ड व्हीकल, तो देखते हैं क्या हो रहा होगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैं आपसे केस वन की बात कर रहा हूं, मैं केस वन बोल रहा हूं आपका, केस वन जो हम लोग बोल रहे हैं फॉर परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूं, परफेक्टली
परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन के बारे में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, प्लास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन की जब मैं बात करूंगा तो मैं बोल देता हूं ई किसके बराबर होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है ई इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो देखो जरा ई इज इक्वल टू 1 के बराबर हो रहा होगा तो मैं अगर बोल सकता हूं, ऐसा बोल सकता हूं क्या, 1 इज इक्वल टू, अगर मैं वेलोसिटी सेपरेशन की बात करूंगा तो वेलोसिटी सेपरेशन में आप लोग देखोगे कि ये जो वीबी डैश है, वीबी डैश है वो बड़ा होगा किससे, वीए डैश से बड़ा होगा। और यहां पर देखोगे कि वीए इज ग्रेटर देन किसके बराबर होगा, वीबी के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं फॉर ई इज इक्वल टू 1 जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करूंगा तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिख सकता हूं मैं VB डैश माइनस VA डैश के बराबर लिख सकता हूं। और जब मैं बात करूंगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की तो मैं लिख सकता हूं VA माइनस VB के बराबर। ठीक है, तो यहां से मैं देखूंगा तो मेरे को पता चलेगा VA माइनस VB इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, VB डैश माइनस VA डैश के बराबर हो जाएगा। किसके बारे में बात कर रहे होगे ये आप, या आप बात कर रहे हो परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन के बारे में बात कर रहे होगे। सिमिलरली आप केस 2 देखो जरा, मैं इसमें ही केस 2 आप लोगों को दिखाता हूं। तो मैंने बोला केस 2 हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, केस 2 हम लोग बात कर रहे हैं परफेक्टली फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की हम लोग बात कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन। फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैंने बोला कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किसको कंसीडर करते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जीरो कंसीडर करते हैं। तो देखो जरा अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जीरो आ रहा है इसका मतलब ये जीरो आ रहा है, और ये जीरो वैल्यू कब होगी, जब आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा कि आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसके बराबर, जीरो के बराबर हो जाए, क्योंकि ये अगर जीरो के बराबर होगा तो ये पूरा वैल्यू इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये जीरो के बराबर है इसका मतलब ऐसा बोल सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया है, जीरो के बराबर हो गया है। तो आगे अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर जीरो के बराबर हो गया है तो आप बोल सकते हो क्या कि VA डैश माइनस VB डैश किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया है। इसका मतलब VA डैश इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, VB डैश के बराबर हो चुका है। ठीक है, तो आपने देखा VA डैश किसके बराबर हो गया है, VB डैश के बराबर हो गया है। तो यहां से मेरे को समझ में आता है कि अगर VA डैश VB डैश के बराबर हो जाता है इसका मतलब यह है कि ये दोनों पार्टिकल या दोनों व्हीकल साथ में मूव कर रहे होंगे। तो मेरे को समझ में आता है, और मेरे को स्टार मार्क डाल के नोट लिखना है इसमें, नोट कि अगर VA, इफ VA डैश इज इक्वल टू VB डैश, इट मींस बोथ द व्हीकल are moving together आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद क्या हो रहा है, दोनों व्हीकल साथ में मूव करेंगे, ये बोल रहा है अगर VA डैश किसके बराबर हो जाता है, VB डैश के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया मेरा कंडीशन, जो कोलिजन डायग्राम के अकॉर्डिंग मेरा कंडीशन होना चाहिए था, या जो कोलिजन के अकॉर्डिंग मेरा कंडीशन होना चाहिए था। अभी देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने बोला मैं आपको सबसे पहले बात करूंगा हम लोग अपने उठाने वाले किसको, एक केस को, जब एक मूविंग व्हीकल कोलाइड करेगा किससे, एक पार्क्ड व्हीकल से अगर कोलाइड करेगा। ठीक है, तो हम केस 1 के बारे में देखने वाले हैं अब। तो मेरा केस 1 बोलता है, केस 1 मेरा बोलता है, यहां से देखेंगे मेरा केस 1 बोलता है, केस 1 इज व्हेन अ, केस 1 इज व्हेन अ मूविंग व्हीकल कोलाइड्स विथ अ पार्क्ड व्हीकल। ठीक है, एक पार्क्ड व्हीकल से कोलाइड होगा जब एक मूविंग व्हीकल, तब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं देखो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा होगा, ये मेरा कोई भी एक व्हीकल है, ये है मेरा व्हीकल जिसका मास मैं बोल देता हूँ एम ए मास है, और किसी वेलोसिटी वी ए से ये मूव कर रहा है। ये मेरा व्हीकल एम ए है जो किसी वेलोसिटी से, चलो अच्छा ज़्यादा हवाबाजी नहीं करते हम लोग, देखते हैं कि मैंने बोला कि ये मेरा कोई भी एक व्हीकल है जो किससे मूव कर रहा है, ये मास एम ए से, ये इसका मास एम ए है जो किससे मूव कर रहा है, वी ए वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक मेरा पार्क्ड व्हीकल है जो मेरे को देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मैंने बोला ये कोई भी एक मेरा पार्क्ड व्हीकल है,
ठीक है, ये रहा मेरा पार्क्ड व्हीकल जिसका मास MB है और जिसका वेलोसिटी, जब मैं बात कर रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि क्या हो रहा होगा, ये एक पार्क्ड व्हीकल है, वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा होगा, कंडीशन मैं बोल रहा हूँ, जब भी हम लोग बात करेंगे ऐसे कुछ भी केसेस की बात करेंगे, मैं हमेशा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कंसिडर करने वाला हूँ। क्या कंसिडर करने वाला हूँ, मैंने बोला मैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कंसिडर करने वाला हूँ। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं तो देखो जरा यहां पे क्या हो रहा होगा, मेरा व्हीकल जो है वो, मेरा जो मास ए का जो व्हीकल है वो किसी VA वेलोसिटी से जा रहा होगा, किसी VA वेलोसिटी से जा रहा होगा, और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब इसने इस सेकेंड व्हीकल को, पार्क्ड व्हीकल को देखा होगा, तो इसने क्या किया होगा, ब्रेक अप्लाई किया होगा, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद यहां समझो इस पॉइंट पे आके इसने ये देखा, इस पॉइंट से ही जस्ट देखना स्टार्ट किया था, और यहां से देखा, ब्रेक अप्लाई किया, और अप्लाई करते 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 कहां पहुंच गया, इस कंडीशन पे पहुंच गया है, ठीक है, इस कंडीशन पे पहुंच गया है। तो जस्ट बिफोर द कोलिजन अगर मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, देखना जरा यहां पे जस्ट बिफोर द कोलिजन अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, मास MA दिख रहा होगा मेरा, ये व्हीकल है दूसरा, जस्ट बिफोर द कोलिजन बात कर रहा हूं, मतलब ये बस टच होने ही वाला है, मेरा व्हीकल मास A का जो व्हीकल है वो बस टच होने वाला है, किससे, मास B के व्हीकल से टच होने वाला है। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करूं मैं कि कितना डिस्टेंस कवर करा होगा मेरे MA व्हीकल ने, तो मैं बोल देता हूं S1 डिस्टेंस कवर करा होगा मेरे व्हीकल M1 ने, कहां से, मास A, जो मास A व्हीकल है ना, A व्हीकल है, उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, S1 डिस्टेंस कवर करा, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर द कोलिजन की बात कर रहा हूं अब मैं आपसे, कि जस्ट आफ्टर कोलिजन अगर मैं बात करूं तो देखो जरा ये लाइन से मैं रिप्रेजेंट करता हूं आपको, थोड़ा सा समझाने के लिए मैं इसको और अच्छे तरीके से आपको डिस्क्राइब करता हूं तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि ये जो पॉइंट है, ये जो देखो जरा यहां पे, ये है मेरा मास, मेरा व्हीकल A जिसका मास MA है, और ये है मेरा व्हीकल B जिसका मास MB है, ठीक है। अब जस्ट आफ्टर द कोलिजन की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो मेरा मास MA और मास MB जो है वो दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, विद अ वेलोसिटी V3 से मूव कर रहे होंगे, और जस्ट एट द टाइम ऑफ कोलिजन जब ये हिट करने वाला होगा तो उस पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी कितना होगा, V2 के बराबर होगा, ठीक है। जस्ट उस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं जहां पे मेरा व्हीकल जो A व्हीकल है वो B व्हीकल से कोलाइड होने वाला है, जस्ट उस पॉइंट पे बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये क्या हुआ कि जस्ट आफ्टर द कोलिजन, तो ये जो लाइन है ये सेम कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है, आगे और पीछे सेम कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने जस्ट एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको डिफरेंस दिखाया है कि जस्ट बिफोर द कोलिजन क्या केस दिख रहा होगा आपको और जस्ट आफ्टर द कोलिजन क्या केस दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ये लाइन जो है ये सेम ही कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है दोनों, ऐसा नहीं है कि थोड़ा आगे जाके डिस्टेंस की बात हुई है, ये सेम कंडीशन को यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आगे जब मैं देखता हूं तो क्या हो रहा होगा, तो ये जो है मेरा व्हीकल मास MA जो है और मेरा जो व्हीकल MB है, ये दोनों आगे जाके क्या हो जाते होंगे, आगे जाके रुक जाएंगे जहां पे वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे जीरो के बराबर हो जाएगा जस्ट आफ्टर द कोलिजन, हम लोगों की बात हो रही है कि कोलिजन के जस्ट बाद में क्या होगा, तो कोलिजन के जस्ट बाद में हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं ये डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, S2 डिस्टेंस कवर किया होगा जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है कंडीशन का डायग्राम है आप लोगों को जो देखने को मिलेगा। अभी हम लोग देखते हैं इस पर डिफरेंट कंडीशन पे कैसे कैसे हम लोगों ने कैलकुलेशन परफॉर्म किया होगा, तो देखेंगे यहां पे। फर्स्ट कंडीशन जो मेरे को देखने को मिल रही है, मैंने इसको तीन पार्ट में ब्रेक किया है। फर्स्ट कंडीशन जो आप लोगों को देखने को मिल रही होगी, कंडीशन फर्स्ट इज जब हम लोग बात कर रहे हैं बिफोर कोलिजन क्या हो रहा होगा। तो अगर मैं बिफोर कोलिजन बात कर रहा हूं तो देखो क्या हो रहा होगा, मेरा जो मास, पहले मैं बात कर दो कौन है, कोलिजन के पहले तक सारी बातें किसमें हो रही है, ए व्हीकल के लिए बात हो रही है जिसका मास MA है, जो VA वेलोसिटी से मूव कर रहा था और जिसका वेलोसिटी किससे चेंज हो गया, V1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था और जिसकी वेलोसिटी V2 चेंज हो गई है, ठीक है। तो अब बिफोर कोलिजन अगर मैं बात करूं तो मैं आपका क्या लगा देता हूं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूं, ठीक है। मैंने अप्लाई किया एनर्जी कंजर्वेशन,
एनर्जी कंजर्वेशन जब मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे, तो मेरे को देखने को मिला है एनर्जी कंजर्वेशन मेरे को बोलता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, वर्क डन के बराबर होता है। तो आप वर्क डन चेंज, काइनेटिक एनर्जी के चेंज को वर्क डन में जब लिखोगे तो देखो आपको कैसा देखने को मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इस पॉइंट वन पे जब बात करूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होगा वो बोलेगा हाफ एम ए इंटू वी वन का स्क्वायर इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, और जस्ट उसके बाद इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, माइनस हाफ एम ए वी टू का स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम ए वी वन का स्क्वायर माइनस हाफ एम ए वी टू का स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को, इज इक्वल टू वर्क डन के बराबर। और वर्क डन कितना हो रहा होगा, डिस्टेंस, वो है कौन सा फोर्स इसको रोक रहा होगा आगे जाने से। तो मैंने बोला ब्रेक अप्लाई किया है तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स के लिए मैं कोफिशियंट बोल देता हूँ जो सर्फेस पे होगा, वो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन एफ बोल देता हूँ। तो नॉर्मल वेट आपको नॉर्मल रिएक्शन पता ही है, तो मैं बोल देता हूँ क्या होगा, कैपिटल एफ बोले तो फ्रिक्शनल फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एस वन। ये लग रहा होगा जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं फ्रिक्शनल फोर्स की पहले मैं आप लोगों से बात करूं तो देखेंगे यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो रहा होगा आप लोगों के लिए। मैंने बोला फ्रिक्शनल फोर्स की, यहां पे बताता हूं फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा। तो देखो जरा यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स वो कितना हो जाएगा, आपने देखा कैपिटल एफ के बराबर जो कि होता है म्यू इनटू कैपिटल एन के बराबर, और देखो कि फ्रिक्शनल फोर्स एफ इज इक्वल टू म्यू तो हो जाएगा एफ इनटू वेट के बराबर हो जाएगा एम ए इनटू जी के बराबर, एम ए इनटू जी के बराबर ये हो जाएगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे देखोगे ये हो जाएगा हाफ एम ए वी वन स्क्वायर माइनस हाफ एम ए वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इनटू एम ए इंटू जी मल्टीप्लाइड बाय एस वन। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। मैं क्या बोलता हूँ आपको, सब में से एम ए कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, सारी टर्म्स में से एम ए निकाल के आप लोगों ने कैंसिल किया तो ये जो है मेरे को कुछ ऐसा दिखा, और मैंने क्या किया टू को कॉमन लेके वहाँ भेज दिया, तो मेरे को यहाँ दिख रहा है वी वन का स्क्वायर माइनस वी टू का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर, टू एफ जी इंटू एस वन के बराबर। वी वन का स्क्वायर माइनस वी टू का स्क्वायर इज इक्वल टू टू एफ जी इंटू एस वन के बराबर। ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, कब, जस्ट बिफोर द कोलिजन, क्या आपको कंडीशन देखने को मिल रही है। ठीक है, अब मैं सेकेंड कंडीशन की बात करता हूँ, कंडीशन टू की बात करता हूँ कि एट द टाइम ऑफ कोलिजन क्या देखने को मिल रहा होगा आपको। तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन के लिए मैं बता रहा हूँ, कंडीशन टू की बात कर रहा हूँ कहाँ पर बात कर रहा हूँ, एट कोलिजन आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा होगा। तो मैं बोल रहा हूँ एट कोलिजन पे हम लोग क्या करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन या मास कंजर्वेशन लगा देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे देखो जब जस्ट बिफोर द कोलिजन आप लोगों ने देखा क्या हो रहा होगा, ये एम ए वी टू स्पीड से आया और इसने दोनों को साथ में लेके अब वी थ्री स्पीड से चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो देखो जरा मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलता है, मास इनटू वेलोसिटी बोलता है। तो मैं बोल रहा हूँ इनिशियली जस्ट बिफोर द कोलिजन बात हो रही है, एट कोलिजन पे जस्ट बिफोर कंडीशन, जस्ट आफ्टर कंडीशन, है ना, याद लिख सकते हो आप लोग अगर आप लोग को लिखना है, जस्ट बिफोर कोलिजन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा ये, और ये जो दिख रहा होगा वो जस्ट आफ्टर कोलिजन आप लोगों को ये देखने को मिल रहा होगा। तो जस्ट बिफोर कोलिजन की अगर आप लोगों से बात होगी तो देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा होगा। मैंने बोला कोई भी मेरा मास MA जो है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, जस्ट बिफोर कोलिजन इज V2 वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। जस्ट आफ्टर कोलिजन बात करता हूँ तो मेरा जो MB व्हीकल है मास MB व्हीकल का है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, वो किसी भी वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है क्योंकि वो एक पार्क्ड व्हीकल है, और वो पार्क्ड व्हीकल का वेलोसिटी किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, इज इक्वल टू आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूंगा जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात करूंगा तो आप लोग देखोगे कि यहां पे जो मोमेंटम हो रहा होगा, जो आप मास देखोगे, MA मास जो है किस वेलोसिटी से चल रहा है, V3 वेलोसिटी से चल रहा है, प्लस MB मास किस वेलोसिटी से चल रहा है, V3 वेलोसिटी से चल रहा है। तो हम इनको कॉमन करके ऐसे लिख सकते हैं, MA प्लस MB इज इक्वल टू V3 के बराबर। तो यहां से आप देखोगे कि आप अपना V2 कैलकुलेट कर सकते हो, यह हो जाएगा MA इंटू V2 इज इक्वल टू MA प्लस
MB into V3 के बराबर, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने ये एक और दूसरी टर्म भी निकाल लिया, आप लोगों को जो आगे कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ से आपने अपना सेकेंड टर्म निकाल लिया है, ये फर्स्ट, ये है आपका सेकेंड कंडीशन का टर्म, ठीक है। थर्ड हम लोग बात कर रहे हैं, कंडीशन थ्री की बात कर रहे हैं, तो कंडीशन थ्री देखोगे आप लोग, कंडीशन थ्री में आप लोगों को बोल रहा हूं कि जस्ट एट द कोलिजन, एट कोलिजन देख लिया आपने, बिफोर कोलिजन देख लिया, अब हम आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा कंडीशन थ्री है, जो हमारा कंडीशन थ्री है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आफ्टर कोलिजन की बात हो रही होगी, आफ्टर कोलिजन की बात हो रही होगी, तो देखेंगे आफ्टर कोलिजन में आप लोगों को कैसे दिखेगा। तो ये देखो जस्ट आफ्टर द कोलिजन क्या हो रहा होगा, MA और MB व्हीकल किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, V3 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और फाइनली उनका वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो यहां पे भी मैं लगा देता हूं एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूं, तो मैं देखने को मिलेगा क्या हो रहा होगा एग्जैक्टली। तो मैंने अप्लाई किया यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई किया यहां पे, तो जब मैंने एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई किया तो देखने को मिलेगा मेरे को क्या हो रहा होगा, मैंने बोला कि मेरा क्या हो रहा होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन के बराबर होगा। और काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आ रहा होगा देखने को मिलेगा, देखो जरा यहाँ पे इनिशियल मास कितना है, MA प्लस MB है, और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये V3 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इनिशियल मास की बात कर रहा हूँ, मैंने बोला कितना है MA प्लस MB, हाफ बोल देता हूँ, हाफ MA प्लस MB किस वेलोसिटी से, V3 का स्क्वायर, हाफ MB स्क्वायर माइनस, है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं, माइनस हाफ MA प्लस MB इंटू वी स्क्वायर करूंगा, और लेकिन यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी जीरो के बराबर है, तो चेंज इन वेलोसिटी सिर्फ इतना ही आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे बात करूंगा मैं आप लोगों से, अब मैं बात करूंगा आप लोगों से वर्कडन की, जब बात करूंगा तो वर्कडन में देखो एक्जैक्टली क्या हो रहा होगा, वर्कडन इज इक्वल टू किसके बराबर, फ्रिक्शनल फोर्स और जो डिस्टेंस जितने में ये रुक रहा है, तो एस टू डिस्टेंस में रुक रहा है ये, फ्रिक्शनल फोर्स एफ इंटू मास बस चेंज हो जाएगा, तो आपको देखेगा एफ इंटू कितना मास है टोटल, MA प्लस MB के बराबर है, MA प्लस MB के बराबर है म्यू n, n हो गया इंटू g मल्टीप्लाइड बाय s2, यहां से s2 निकल आएगा, ठीक है, s2 डिस्टेंस आप लोगों को पता होगा, तो आप देखोगे यहां से जो फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा होगा, MA प्लस MB, MA प्लस MB कैंसिल हो जाएगा, तो v3 का स्क्वायर इज इक्वल टू f इंटू टू इंटू एफ इंटू जी इंटू एस टू के बराबर आ जाएगा, v3 स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू एफ इंटू जी इंटू एस टू के बराबर आ जाएगा। तो समझो जरा, अब आपको मैं एक बात बताने वाला हूं, क्वेश्चन इतना प्यारा फ्रेम होता है ना कि आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हैं वो आपसे, वो आपसे पूछना चाहेंगे कि मेरे को बताओ कि मास जो ए व्हीकल है, जो ए व्हीकल है वो किस, जो भी उसका मास है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, वो वाली बात पूछना चाहेंगे। तो अभी जैसे आप लोगों ने इनिशियल से आते 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 हुए आपसे V3 वो कभी नहीं पूछना चाहते हैं, आपसे डायरेक्ट क्या पूछेंगे, V3 आपको बता दिया जाएगा, S1 बता दिया जाएगा, S2 बता दिया जाएगा, मास के कुछ प्रोपोर्शंस भी बता दिए जाएंगे कि MA मास का इतना कंपैरिजन में M2 इतना है, ठीक है, MB इतना है, तब आपको इतना क्वेश्चन अच्छा जो फ्रेम हुआ है आपको, है ना, फिर पूरा इसको रिवर्स प्रोसेस में ले जाना पड़ेगा और तब जाके आपका V1 का वैल्यू आएगा। तो देखो जरा कैसे आ रहा होगा, मैं बोलता हूं यहां पे, मैं बोलूंगा आपको अगर V3 दिया होगा, अगर क्वेश्चन में V3 दिया हो और S2 दिया हुआ है, तो आपको पता है V3 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू F इंटू G इंटू S2 के बराबर होगा। यहां से V3 निकाल लोगे आप, ये आपकी थर्ड कंडीशन थी, यहां से थर्ड कंडीशन से V3 निकालोगे और इसको पुट कर दोगे सेकंड कंडीशन में, तो आपका V2 आ जाएगा। देखेंगे ध्यान से, थर्ड कंडीशन में आप लोगों ने क्या निकाला है, आप लोगों ने V3 निकाला और इसको कहां पुट कर दिया है, V2, यहां सेकंड कंडीशन में पुट कर दिया, यहां से आगे आपका V2, और इस V2 को यहां पे जैसे, क्योंकि आपको S1 भी पता होगा और V2 जैसे ही यहां पुट करोगे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा V1, ठीक है। हम लोग इसमें एक एग्जाम्पल देखेंगे, आप लोगों को एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल होगा जिसमें एक ही एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक्सीडेंट स्टडीज की अगर बात होगी, जब अपना मूविंग व्हीकल कोलाइड कर रहा होगा किसी पार्क्ड व्हीकल को, तो कैसे हम लोगों को उस क्वेश्चन को हैंडल करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग जब नेक्स्ट केस देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट केस में कि जब दो व्हीकल अलग अलग लेन से आ रहे होंगे और किसी इंटरसेक्शन पर कोलाइड हो रहे होंगे, तो क्या हम लोगों को चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे, वो सारा चीजें हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक पे।